गुड मॉर्निंग, राम राम, जय माता दी। तो उठ गए हम, सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले आज है भैया दूज। सभी भाइयों और बहनों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका दिन बहुत अच्छा रहे। और सभी भाइयों को और बहनों को ये कहूँगी भी आप लोगों का, सबका प्यार भाई बहन का आपस में बना रहे। तो चलो इस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, गुड मॉर्निंग गाइस। और ये हमने ने क्या मतलब कपड़े, मैंने सारे कपड़े धो दिए। तो बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब देख ही सकते हो आप कितनी लाइंस लगी हुई है, अंदर अंदर तक है। गलियों में घुसना पड़ेगा हमें, इतने सारे कपड़े धोए हैं। और मम्मी अंदर ही है, तो देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं मम्मा। मैंने तो इतने कपड़े धोए हैं, मम्मी को देखती हूँ मम्मा क्या कर रहे हैं अब। तो मम्मी क्या कर रहे हो आप? नाश्ता भूख लगी है ना? हाँ, भूख भूख तो लगी बहुत है। लगी है। लग गया था, थोड़ा सा मजा आ गया था। क्या बना रही बच्चे? पोहा बना रही है ना? तो ये मम्मा पोहा बना रहे हैं। देखो मम्मी ने मूंगफलियाँ रोस्ट करके रख दी है। अभी मम्मा मसाला बना रहे हैं, प्याज और कैप्सिकम डाले हैं मम्मा ने। और क्या क्या डाला है मम्मा? मैंने बेटा कड़ी पत्ता है, हींग, कड़ी पत्ता, हींग, और जी सरसों, प्याज, हाँ, और ये कैप्सिकम, ये जो ओके, जो मेरे पास था, मतलब यस। और ये मम्मा ने सब कुछ पोहा तुम भिगो देती दिया हो। है, बनेगा इसको भिगो के रखा है। तो देखते हैं कैसा बनता है, बनेगा कैसा बनेगा। तो टेस्टी, मम्मी टेस्टी बनाते हैं। जो तैयार होके दिखाएंगे आपको। नहीं, हमारी काबिलियत पे शक है आपको? बिल्कुल भी नहीं तो है। फिर तो चलो दिखाते हैं आपको फिर बना के पोहा। जी देखो, ये हमारा पोहा अब तैयार है। और अब इसको थोड़ी देर सीम आंच में हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसको खाएंगे। सो मिलते हैं बाद में। तो ये अब बनने जा रही है कोल्ड कॉफी, क्योंकि हमारी रेचल कोल्ड कॉफी पीती है, वो और कुछ पीती नहीं है। तो ये मम्मा इजी वे में कोल्ड कॉफी बनाएंगे, पीती भी मम्मा के हाथ की है। इंस्टेंट कोल्ड कॉफी। नहीं, मैं कह पीती मम्मा के हाथ और की है। चाहिए भी उसको मम्मा के हाथ की, उसको किसी रेस्टोरेंट की या किसी की नहीं चाहिए, सिर्फ मम्मा के हाथ वाली चाहिए उसको कोल्ड एक कॉफी। तो ये मम्मी बता रहे हैं। बहुत टेस्टी बनती है, और रिचल जो है वो बहुत नकचड़ी है वैसे, उसको किसी के हाथ की पसंद नहीं आती, लेकिन ये कॉफी उसको पसंद आती है, वो पीती मेरे हाथ से है। तो देखो, एक गिलास दूध, ठंडा दूध, ठीक है, और स्पून छोटा है तो 1.5 की चम्मच स्पून, ज्यादा नहीं। तो कॉफी बताती हूँ, देखो कितनी कॉफी, एक गिलास में बस इतनी कॉफी, ये हो गया। क्योंकि अब ठंडा मौसम हो गया, इतनी गर्मी नहीं है, सो इसमें कोई ना आइस क्यूब डालो ना कुछ नहीं, और इसको गुरुद्वारे गई है सुबह 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 मत्था टेकने गुरुद्वारे जाती है, तो इसलिए हम इसको अभी निकालेंगे नहीं। जब मैं इसको निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी झाग है, और अभी मैं इसी में रखूंगी। ये मेरे को मत दिखा रहा, कौन बात कर रही मैं बताती हूँ। देख, सासू माँ काम कर रही है, और देख बहू को कैसी बहू। नहीं, मैं काम कर रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। राइटिंग देख लो इसकी, राइटिंग देख लो आज इसकी। एक और सा काम कर रही है डॉक्टर साहिबा। ना, आज पता क्या, आज झाड़ वो नहीं आई है, मेड नहीं आई है हमारी, ठीक है, वो ना आ गई थी, मैंने मना किया। मैं कभी नहीं मारती झाड़ू भाई, क्योंकि मैं सर्वाइकल पेशेंट हूँ। खबरदार, उसके बारे में कुछ गलत बोला। पहले खुद ही गलत बोल लो, फिर भाभी मुझे बोलो गलत। ऐसे कौन करता है भाई, ऐसे कौन करता है, बताओ।
तो लो जी, अब हमारे घर में कुछ और नया बनने जा रहा है। क्या बन रहा है ये तो अब मम्मी बताएंगे। क्या कर रहे हैं मम्मी? और ये देखो, ये अगर आपको पता लग रहा होगा तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या बनने वाला है, इस दाल से क्या क्या बनता है। तो अच्छे से तो मम्मी बताएंगे क्या बना रहे हैं मम्मी। मम्मी बना रहे दही बल्ले। ओ, तो हमारे घर में आज दही बल्ले बनने जा रहे हैं। वाओ यम्मी। विद दही बल्ले विद पुदीना और क्या नाम है आपका, इमली की चटनी। यस। तो अभी ये देखो जो मैंने आपको दिखाया था इमली, ये अभी मम्मा ने इमली बॉयल होने को रख दी है, मैंने इसमें ना इसको साथ भिगो में ना के रखा था। वो भी डाल दिया है, क्या गुड़ तो नहीं था सर, हाँ जी यही शक्कर। शक्कर डाल दी साथ में। ओके। अपना अपना तरीका है, मैं तो ऐसे करती हूँ, शक्कर जो मैं साथ में वो कर देती हूँ। अब जब ये हो जाएगा तो इसको वो करूंगी छलनी में। हाँ, छान के हाँ और छान इसका के वो फिर मैं निकाल लगाऊंगी के इसको तड़का। तड़का लगाऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे कैसे लगाती हूँ। अपना तो अपना तरीका है ना, अपने तरीके यस से लगाते हैं सारे जो। तंग करके रखा आप लोगों ने मेरे को, कर रहे बताना नहीं तंग करके रखा, हमने क्या तंग किया आपको? कैसे बात करते हो तुम लोग मुझसे? नहीं मेरी आप बात सुनो, वैसी करते हो। मुझे बोला अंदर जा, यही सब लेके डालो आ। मैं हाँ डालो, अंदर जा, अंदर जाके ये पता नहीं इसको भी ड्रेसिंग टेबल दिखता है, यहाँ से उसे दिख रहा है तो वहां जाके खाने लगा हुआ है। ये जी जो बैटर बनाया था मैंने, ये इसके इस तरह से बल्ले बनाए, मैं तो इस तरह बनाती हूँ, कौन कैसे बनाता है मुझे नहीं पता। अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी, ठीक है डीप फ्राई, और उसके बाद क्या करती हूँ मैं वहां के दिखाती हूँ आपको, जब बन जाएगी तब भी दिखाऊंगी। मैं तो खा चुकी हूँ, क्या मम्मी क्या बोल रहे, दिखा चुके बेटर। और ज्यादा जलाना नहीं क्या बना रहे इसको, हो बल्ले? बल्ले दही बल्ले तेलों में इतना फ्राई कर करके। ओ भाई हम कभी खाते हैं क्या ये? कभी कभी चलता है ऑलिव ऑयल है, मिस्टर ये पर चलो चाहे ऑलिव ऑयल है ना तला हुआ तो, पर हम कभी खाते नहीं तला हुआ, कभी कभी तो चलता है यार। बड़े दिन से जो है वो जियो मेरे लाल, बाल पटते मेरे सारे, बैठना मैंने बस। चलिए जाइए वो गॉन हो जाइए आप। ये मैंने पानी गर्म किया है, इसमें नमक डाला है, और क्योंकि मैंने पहले बल्लों में नमक नहीं डाला था तो मैं इसको इसमें डिप करके रखूंगी थोड़ी देर, और फिर इसको इसका पानी निकाल दूंगी, मतलब बल्लों के अंदर जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनके अंदर जो है वो नमक चला जाएगा। बस फिर जब सारे बनते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये मत सोचना कि ये दो दो तीन दिन बना रही है, सारा दिन लगा रही है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ऑयल है मैं फ्राई करने के बाद में ऑयल को फेंक देती हूँ, मैं ये यूज नहीं करती हूँ दोबारा, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके बना रही हूँ, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है भाई महंगा बहुत होता है इसलिए फेंकते वो दर्द होता है, लेकिन मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ। मैं सबको ये बोलूंगी जिस जो हम फ्राई करते हैं ना उसमें कभी भी दूसरी बार उसको यूज मत करो। देसी यूज करते हैं, बाकी तो शायद रात को लगाते हैं, मुझे खैर इतना पता नहीं, इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन जो है हम मॉर्निंग में उठते ही इसका एक चम्मच डेली ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास दिन गुजरता है। अगर किसी को जरूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है इसके लिए, ठीक है। और जी अब इसमें इसको 5 मिनट रखा है मैंने, इसमें नमक भी मिल गया है, सॉफ्ट भी हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे सॉफ्ट हुए। और अब इसने हमने इसको ये पानी ऐसे निकाल देना है इसका, ऐसे निचोड़ के, और ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको पहले कितने होते ना हार्ड होते ना, ये देखो ऐसे स्पंची से ये
सॉफ्ट हो गए हैं, उनकी शक्ल से लग रहा होना पता बेचार हो गए। मतलब सॉफ्ट हो गया, अपने आप ही पता लग रहा है ना, उनकी शक्ल से पता लग रहा है सॉफ्ट हो चुके। किसी की इच्छा है दही बल्ले खाने की तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है, आ सकता है, क्योंकि अभी शाम के टाइम खाएंगे, तब तक आ जाओ किसी को खाने। कोई जब भी आप आओगे तब भी बन जाएगा, जिस इसकी इच्छा है खाने की, जिस इसको मेरे ऊपर मतलब वो है क्या है, विश्वास, विश्वास है लेडी कुछ कर सकती है। क्योंकि ये इतना जो बच गया है ऐसे, ऐसे तो हमने वो निकाल लिया, लेकिन कम निकलता है ऐसे, थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि हमें पकाना है इसको भी। और जोर से गाओ थोड़ा, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मैं पागल, तू अंदर गाने लगी तो मैं पता गा रहा है वो पागल है, ये ऐसे नहीं साउंड से। जस्ट टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, रुको ऑन करने दो, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। बस इनको अभी अभी हम इंडियन आइडल में भेज रहे हैं, चलो चलो उठो अंशुल उठो, इंडियन आइडल में चलो, आजकल लगा हुआ है इनको, पता नहीं कौन सद में लगे होते हैं। ये देखो इनको कंपनी से जो आया था ये यूज करने में लगा दिया इन्होंने, इससे एक फायदा हुआ है कि हमारे कमरे की लाइट तो बंद रहती है एटलीस्ट। निकल जाओ कमरे से, निकल जाओ, ये तो मैं कट कर। ओ भाई गाइस, अब देखो हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है और ये लाल चटनी भी तैयार हो गई है। सी यम्मी, मुंह में देख के पानी आ रहा है, तेरे मुंह में पानी आता कब नहीं कब नहीं आता तेरे मुंह में पानी भाई, बता मुझे। नहीं यम्मी, मजाक कर रही हूँ, ये बच्चा तो जो है वो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कमजोर होता जा रहा दिन प्रतिदिन। कोई फोर वाली बात ही कोई किचन किचन वाले ने, पर बाथरूम वाले हंस गए। चावल भी उभरी हो ना, धूप रखी, धूप रखी उसके सिर पे थोड़ी जी। तो ये हमारी रेजल गुलाटी क्या करने जा रही है मुझे खरे ब्लॉगर बड़े जीने में देते हैं ना, सब शाम को खाएंगे ना, अभी तो नहीं खाएंगे, नहीं फ्रिज में रख के जा रही हूँ, और इस ऑयल को फेंक देंगे। ओके, गैस वैस मुझसे भी साफ होती है अभी, बाद में सब कुछ तो देखो जी, ये है हमारे दही भल्ले और इस तरह से कुछ हमने डेकोरेशन किया है। ये देखिए, ये देखिए यार, कृष्णा चाट वाले ने गोलगप्पे बड़े कम भेजे तुझे, मैं कृष्णा चाट वाला लग रही हूँ तो कृष्णा चाट वाला ही सही, ठीक है ये बिल्कुल सेम ना, मैंने कृष्ण रेड वालों को खाया था। तेरी मम्मी हूँ बेटा, हुनर है तेरी माँ के अंदर, ये देखो। तो अंशुल जी बोल रहे हैं मम्मा कृष्णा चाट भंडार है ना वो, हाँ वहाँ जैसे गोलगप्पे लग रहे हैं। मैं तेरी माँ को ही से कम है, सारी जिंदगी होगी इनको खिलाते हो, पर इनके कमेंट से नहीं खत्म होते। लो जी मेरे जी साहब खा चुकी है, आप दिखाइए जरा अपनी प्लेट दिखाइए आप, ये देखो जी, ये देखो, इसी से पता लग रहा होगा आपको मेरी प्लेट वैसे के वैसे पड़ी और मैंने साहिबा खत्म कर चुकी है, खत्म हो गई। मम्मी
तो जी हम जो है मतलब हम हिमाचलीज हैं क्योंकि बेसिकली हिमाचल से हैं, तो हम हिमाचल में इस तरह से पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में जो है जैसे रेचल करती है बाकी भाइयों के लिए, तो वो सिर्फ मिठाई का डब्बा और टिका टुका लगाती है। हम यहाँ पे इस तरह से अखरोट होते हैं और ये खिले होती हैं, मिठाई होगी, पतासे होंगे, खील होगी, हम इस तरह से पूजा करके इस तरह से पूज के रख देते हैं। और जब भी भाइयों को मिलते हैं तो बीच में मतलब जैसे भी मिठाई उठी डाल के हम भाइयों को देते हैं। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं, और जो यहाँ पे हैं रेचल जो करती है यहाँ पे सिर्फ मिठाई का डिब्बा लेके जाती है, टीका लगाएगी, उनका मुंह मीठा करेगी और फूल धूप वगैरह जो वो रखते हैं वो इस तरह से करते हैं यहाँ पे। बाकी हम तो जब शुरू से जैसे करते आए हैं क्योंकि पहले हिमाचल में थे तो उसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं। बाकी रितिका भी वैसे ही करेगी क्योंकि ये भी वैसे ही करती आई है। चल गुना कर, टीका कर भाई को, जल्दी कर, जल्दी करो फटाफट, टीका तुम्हारे को बैठ के करना होता है। मेरे बेड को तो ना इन्होंने ऐसा बनाया हुआ जैसे वो नहीं होता है धर्मशाला, रात को सुबह मतलब यार हद है, ये क्या करूँ उसका मैं, ये कान के उसमें डालो, हाँ रखो सिर पे रख, चाहे कान पे रख, सिर पे रख, कान पे रख, हाँ सिर पे रख दे भैया, की ये भी रख दे, फूल भी रख, चल जल्दी कर, रुमाल दे दो, टोपी दे दो, भाई भी ऐसा ही है थोड़ी जी ने इसको वो ही दे दे चुन्नी का लपेटा दे दे इसको यार, ले ले रेचल रेचल तो ठीक है, क्या हो गया रुमाल तो ले चलो, तो क्या हो गया यार, चिल करो, ये देखिए बहुत डर हो रहा है, ना अरे तो अपनी वैसी लाए ना ऊपर कर ले यार, पीछे हो रहा है इस पर से यार, इतना आधा घंटा भाई कसम से इसने पूरा आधा घंटा लगा दिया है, मैं बोल रही मैं थक चुकी हूँ, रेस्ट करना है, रुमाल अरे भाई ये पहाड़ी या पहाड़ी टोपी पाके आएगा, चल जल्दी कर यार, वो कर लो जल्दी, जो मर्जी पा प्लीज जल्दी कर, चले चल चल तू जल्दी करो भाई, पहले ढंग से फिर से टिका उठा और अच्छे से बोल मेरे को, पागल की क्या भाई तू है, तभी से बोल भैया जीते रहो, चावल भी लगाई हो बाबू, हाँ मीठा करो बेटा उसका, मिठाई का तो बादाम से कर रही, मिठाई दे दे, गुड़ ला गुड़ अंदर से काले काले चंबा उसकी कंडा घाट की बेसन की बर्फी पुत्रा स्पेशल, क्या टीका नहीं है वो टीके का है राजे, टीके का है कुछ नहीं है, पानी होगा गुनगुन चल हो गया ना तुम्हारा, नेहा की कॉल आ रही बेटा, मैं भैया आ गया पिंटू भैया, थोड़ा सा ले लो, क्या हो गया बेटा, इतनी मिट्टी हो रही है, मोटी हो रही है खा के, चल भाभी के कर, भाभी के चल भाभी के लगा टीका, इनको बता के करना पड़ता है। ये तो देख अब आप मुंह तो टूटो मीठा कर दे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा
तो मम्मी ने हमें यार बहुत गिफ्ट दिए थे, और दिवाली पे, तो दिवाली पे रह गया था गिफ्ट मम्मी का, तो आई थॉट कि मम्मी फोन यूज करती है लाइव यूज करते करते, और उनके कोई हेडफोन नहीं थे बढ़िया, बहुत रोते रहते कि मुझे अपने वाले हेडफोन, रोई कपूर तेरे पास तीन तीन चार चार है ना, तो इसलिए बोलती थी नए हेडफोन दे दूं गिफ्ट में, ये मम्मी के लिए है। रोई रही कोई नहीं, तेरे पास तीन चार है, मैंने बोला एक मुझे दे दे सही सा, अभी मम्मी ही खोलेंगे इसको, ठीक है? नहीं तू खोल ले अपना, तू खोल, तू खोल ना, मम्मी का कहना, मम्मी बैठ के जाओ आराम से। पहले तो थैंक यू सो मच, देखती पहले, वाओ ग्रेट ग्रेट। तो मम्मी है स्टेथोस्कोप नहीं है टीडी को ऐसे लगे मेरे कान में, टूट गई पहले, कान में आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ठीक है, राइट लेफ्ट देख लेना इसका क्या होगा, फिर हम चेक करते हैं थोड़े। थैंक यू, चलिए सो मच, अभी तो फिर भी लगेगा। तो भैया दूज का दिन हमने इस तरह स्पेंड किया, आपको अपना सारे दिन का रूटीन बताया, पूरा तो नहीं बता पाए लेकिन जो भी रूटीन बताया। तो फिर से मैं एक बार विश करूँगी आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहे, सबका, सब भाई बहन का आपस में प्यार बना रहे, और आप लोग जो मेरी वीडियो पे प्यार दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। तो देखिए वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।